हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पेपर पे बॉडी ब्लॉक। तो पहले हमने जो पार्ट वन हमारा वीडियो था उसमें हमने बनाया था बुक में बॉडी ब्लॉक, कटोरी ब्लाउज ब्लॉक। तो अब हम कटोरी ब्लाउज का कटिंग करेंगे पेपर पे इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने देखा था क्या था, हमने बॉडी से लिया 33 है अगर चेस्ट, प्लस 3 करना है, डिवाइडेड 2 करना है। अगर आप ब्लाउज से डायरेक्ट ले रहे हो तो जितना आए उसमें से ही हाफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर कटिंग करना। तो ये हमारा चेस्ट था 18, ठीक है, ये मैंने 18 ले लिया यहाँ से लेते हुए। आपको पता है हमारी कमर लंबाई सबकी हमेशा 14 ही होती है, तो ये मैंने यहाँ से 14 ले लिया, ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने 14 ले लिया है, सेम यहाँ से भी हम 18 ले लेंगे। इस सबको हम पहले जोड़ लेते हैं, मैंने कर लिया है। इसके बाद हमें जो 18 हमारी चौड़ाई थी उसको हमें 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करने के बाद हमारा आता है 3 इंचेस, ठीक है। तो हम सारे ऐसे ही 3 इंचेस पे ले लेते हैं, सेम यहाँ से भी 3 इंचेस। हम यहाँ से भी 3 इंचेस ले लेंगे, अभी सबको हमें जोड़ लेना है। तो इसे हम जोड़ लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद हमें इसे हाफ करना है, ये जो हमारी कमर लंबाई थी 14, उसका आधा करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। 7.5 का आधा 3.5, सॉरी 7 का आधा 3.5, 3.5 का आधा 2 में 2 कम, ठीक है, 2 में 2 कम, और इसका आधा 1 में 1 कम। सेम यहाँ से भी लेते हुए 7.5, 2 में 2 कम, एक मेकअप, इसको हम सारे जोड़ लेते हैं पहले। तो ये सारे मैंने जोड़ लिए हैं। उसके बाद हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में सेम यहाँ से भी। उसके बाद यहाँ से हमें ये 1 और ये 2 लाइन, ठीक है, 1 और 2 लाइन, यहाँ से हमें निशान लगाना है। यहाँ से हमें यहाँ से डेढ़ करना है, ठीक है, यहाँ तक 1 और 4 लाइन। तो ये यहाँ से मैं बीच में से, ठीक है, आधे इंचेस ऊपर लेना है। ये देखिए यहाँ से आधे इंचेस ऊपर लेना है, यहाँ से हमें अंदर लेना है 1 इंचेस, देखिए यहाँ, ठीक है, सेम यहाँ भी हमें 1 इंचेस अंदर लेना है, ले लिया। तो इसे हमें पूरा पहले हम इसे सेट दे देते हैं यहाँ तक जोड़ते हुए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर यहां से हमें आधे इंचेस सेट लेते हुए
यहाँ से नीचे से भी लेंगे आधे इंचेस, इसे हम पहले जोड़ लेते हैं, फिर नीचे से, नीचे से हमें ये देखिए एट लाइंस, यहाँ से एट लाइंस, सॉरी एट नहीं, फिर यहाँ से हमें सिक्स लाइंस यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए एक में दो कम लेना है, इसे हम जोड़ते हैं इस साइड, इस साइड से ही बनाएंगे और इस साइड से भी इसे हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से अगर ब्लाउज के ऊपर डिपेंड होता है उसका, अगर शोल्डर थ्री हो टू हो ऐसे डिपेंड होता है, तो अगर मैं यहाँ से टू लेती हूँ, वैसे टू असल बहुत आता है, नॉर्मली लोग टू ही लेते हैं, पर लोगों के ब्लाउज पर डिपेंड होता है, तो यहाँ से मैं टू ले रही हूँ, यहाँ से भी टू ले रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें इसे यहाँ तक जो इसका हाफ था, ठीक है, यहाँ से सीधे लाइन खींच कर लेते हैं, इसको सेव दे देते हैं कर्व। देखिए यहाँ से सेम इसको भी नीचे लेंगे, इसे भी हम सेव दे देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ हमें ये हमने साढ़े दो पे लिया था, सेम यहाँ से लेंगे हम ढाई पे, ये हमारा यहाँ तक आया, इसके नीचे हमें ये यहाँ से आधा इंचेस, यहाँ से भी आधे इंचेस, ठीक है, इससे हम जोड़ लेते हैं इसको। इसके बाद यहाँ यहाँ हमें यहाँ से, ठीक है, ये सेकंड जो ये लाइन है यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ से हम लेंगे हमारा बस्ट, देखिए बस्ट इसमें 9 था, योग 11 था और लंबाई 15 थी, तो सबसे पहले हम लेंगे बस्ट 9 पे, फिर योग क्या है 11, उसके बाद लंबाई मतलब पूरे ब्लाउज की लंबाई कितनी है, तो वो 15 है हमारी, यहाँ तक आ रही है मेरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम योग पे चलते हैं, सॉरी बस्ट पे, बस्ट हमारा आधे इंचेस, देखिए आधे इंचेस पे या आधे इंचेस पे, इसको हम तो सीधे लाइन ले लेते हैं 9 पे, इसके बाद फिर हम यहाँ से आधे इंचेस इसको भी हम सीधे लाइन कर लेते हैं यहाँ से, फिर इसको हम गोल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये था हमारा योग, तो ये हम सीधे लाइन लेते हुए यहाँ से ले लेते हैं, फिर यहाँ से हमें 1 इंचेस ऊपर लेना है, 1 इंचेस ऊपर लेके इसे यहाँ से कर देते सेव दे दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से ये हमारा आएगा, सीधे लाइन लेंगे नीचे यहाँ तक योग तक, उसके बाद यहाँ से हमारा 1 इंचेस बढ़ेगा, यहाँ से भी 1 इंचेस, इसको हम इसे जोड़ देते हैं, इसके बाद ये लाइन को हमें सीधे ले लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से ये हमारा 2.5 या तो 2, तो ये मैं 2.5 ले लेती हूँ यहाँ से, इसको हम सीधे लाइन खींच लेते हैं योग तक, यहाँ तक योग कितना था 11, तो यहाँ तक हमने ये लाइन ले ली, यहाँ से हमें 1.5 लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये मेरा 1.5 आ गया, इसे हमें सेव देना है, तो हमें पहले इसको यहाँ से जोड़ लेना है, इसका हाफ कीजिए, इसको जोड़ते हुए 6 आ रहा है, हाफ 3 आएगा, इसके बाद आधे इंचेस ऊपर लेते हुए आप इसको सेव दे दीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हमारी लंबाई थी, लंबाई कितनी थी हमारी 15, तो ये मैंने 15 यहाँ तक ले लिया,
डिजाइन खींच लेते हैं पहले 15 तक। अब ब्लैक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये हमारा 15 मैंने यहाँ तक ले लिया, इसको हम जोड़ देंगे ठीक है यहाँ से। तो ये हमारा आगे हो गया पूरा, ये पीछे का हमारा, ये हमारा पीछे का है, ये हमारा था 14 ठीक है लंबाई इसकी, क्योंकि आगे की कभी बड़ी आती है थोड़ी बहुत 1 इंचेस 1.5 इंचेस कभी कभी 2.5 इंचेस भी बड़ी आती है। तो मैं नॉर्मल एग्जांपल दे दूँ, तो ये हमारा 14 यहाँ तक, इसके बाद इसको हम जोड़ लेते हैं 14 तक। इसको इससे जोड़ लेंगे यहाँ से सीधे जोड़ते हुए, इसके बाद जो हमारा ये टक्स था ये बड़ा हो जाएगा यहाँ तक आ जाएगा ठीक है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, मतलब पेपर पे हमने ये बना लिया है, हम कटिंग करेंगे इसकी। तो कटिंग करने के लिए देखिए पहले क्या कट करना है, आगे वाला हमारा 15 था और पीछे वाला 14 था, तो 1 इंचेस का गैप हो गया। 1 इंचेस का गैप के लिए मैंने यहाँ से देखिए कम किया था, तो ये देखिए ये जो हमारा है ये देखिए इधर का ही है। नीचे से हम ये टेप लेते हुए 1 इंचेस पे इसको हम कट कर लेते हैं ठीक है। तो सरफेस हमें ये बराबर एकदम सेफ में आ जाएगा आपका। तो ये इस पर डिपेंड होता है कि जितना आपका ये और इसका गैप जो आता है उस पर ये डिपेंड होता है। अगर आपका 2.5 इंचेस गैप आता है तो आप यहाँ से 2.5 इंचेस ही कम कीजिए ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा ये रेडी हो चुका है, ये मेरा ये था, देखिए मैं क्या देती हूँ, मेरा ये है ये, एंड ये मेरा पीछे वाला ये हिस्सा, देखिए ये मेरा ये है, एंड ये वाला मेरा ये है। तो हमारी पूरी कटिंग्स हो चुकी है ठीक है। और आपको स्लीव आती ही है, अगर नहीं आती है तो मैंने एक सूट पे डिपेंड एक बनाया है, सेम वैसे ही इसकी कटिंग है ठीक है स्लीव की। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लाउज का मेजरमेंट नॉर्मली ब्लाउज सिल के दिखाऊंगी मैं आपको ठीक है। बाय बाय, मीट नेक्स्ट टाइम।